तुम लोगों को मेरे टिफिन की खुशबू नहीं आ रही है क्या? नहीं, नहीं तो? पर ऐसा क्या है तुम्हारे टिफिन में? अरे आज मेरी मम्मी ने बड़ी खास चीज भेजी है। वो क्या? आलू के पराठे और आम का अचार। आलू के पराठे, आम का अचार। बंटी, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह, मजा आ गया। तुमने मेरे आलू के पराठे खाए? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, सर, चिंटू ने मेरा टिफिन खा लिया। सर, क्या कोई खास चीज थी तुम्हारे टिफिन में? हाँ सर, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे भेजे थे। चिंटू, तुम यहाँ मत आया करो। तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए अगर वीर से मिलना है तो बाहर ही मिला करो। दोबारा स्कूल में दिखाई मत देना। चलो अब यहाँ से रवानगी डाल लो। चिंटू, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ फिर मत आना। मिस्टर कक्कड़, कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी टीचर चाहिए। अब आया बात में नमक। अब देखता हूँ कोई कैसे मुझे वीर से दूर करता है। मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, टीचर बन जाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम हरदयाल शर्मा है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा, आप अपनी डिग्री दिखाइए। एक मिनट, बताता हूँ मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर है। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? डिग्री? मुझे आपकी डिग्री चाहिए, मतलब कि जैसे किसी के पास डॉक्टर की डिग्री होती है, किसी के पास इंजीनियर की, किसी के पास पायलट की, वैसे ही हर इंसान के पास अलग अलग डिग्री होती है। हम आपका कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओ, मेरी डिग्रीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देख लीजिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट भी? ओह नो, आप साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, सब कुछ। क्या बात है, आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं। फिर आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज आई लव ईटिंग, मेरे मतलब है टीचिंग। ओ, तो ये बात है, फिर तो आपको अभी के अभी ये नौकरी दी जाती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिला देता हूँ। बच्चों, ये तुम्हारे टेम्पररी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा, आप इस क्लास को पढ़ाइए, लंच ब्रेक में सब टीचर्स से आपकी मुलाकात होगी। ओके सर। ये तो चिंटू के जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चिंटू का कोई भरोसा नहीं, वो तुम्हारे करीब रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके बच्चों, एक लाइन से अपना नाम बोलो। सर, सर। अच्छा छोड़ो, नाम पूछ के क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी टीचर हूँ, नाम याद ही नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, जान के क्या फायदा। हाँ तो ये बताओ, पढ़ाई में सबसे तेज लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी हूँ। सर, वीर है, ये जो मेरे बगल में बैठा है। वीर, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अब खड़े हो जाओ क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। लो, तुम खाओगी? ये तीर तो उल्टा ही पड़ गया। बंटी बेटे, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। ए तुम्हारा नाम क्या है?
बंटी और तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? केटी। केटी। हाँ, तो तुम लोग बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों सर, क्यों? क्योंकि स्कूल में फोन लाना मना है और तुम लोगों की जेब में फोन है। नहीं सर, हमारे पास कोई फोन नहीं है। तो देखो अपनी पॉकेट्स में। सर ये हमारा पक्का चिंटू ही है, अभी बताता हूँ इसे। ये क्या कर रहे हो चिंटू? वापस जाओ। कौन चिंटू? किसकी बात कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ये लंच ब्रेक कब होगा? जब घंटी बजेगी सर। सर जरा चाट खाने चले। हाँ चलो चलो। मैं चाट नहीं खाता। आउट यू मे गो नाउ। वीर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं चिंटू हूँ। पर मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा चिंटू। न्यू टीचर मिस्टर शर्मा, आई एम मिसेस सेन गुप्ता। आपको देख के लगता नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या हो। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। सर आप टिफिन नहीं लाए? नहीं। ओह, कोई बात नहीं, टेस्ट माय फूड। सब आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सब में से खाइए, खाइए ना सर। थैंक यू वेरी मच। You are welcome. अब मैं जब तक स्कूल में हूँ, आप सबका टिफिन यूं ही हर रोज खाता रहूँगा, ताकि आपको बुरा ना लगे। और आप ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो मैं घमंडी हूँ। मैं आपसे यूं ही घुल मिल के रहूँगा। ये टीचर जिंटू ही है। मुझे भी पक्का यकीन है, लेकिन वो मानेगा नहीं। उसके पास जादू है, हम प्रूफ कैसे करेंगे? जादू से निपटने के लिए अब जादू का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं अभी आया। नाना जी जल्दी आइए। क्या बात है वीर? चिंटू जिद्दी है, मैं उसे रोकूंगा तो वो मानेगा नहीं। बोलो क्या करूं मैं? मेरे पास एक प्लान है, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। ओके, मैं तैयार हूँ। अब चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इनविजिबल होके सब देखूंगा। ये मजा मैं मिस नहीं कर सकता। इमली तुम छुप जाओ, कुछ देर बाद आना। पापा, पापा, पापा। पापा? कौन पापा? किसका पापा? कैसा पापा? कौन हो तुम? पापा मुझे भूल गए। अरे भाई मेरा कोई बेटा नहीं है, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? क्यों जी, क्यों रुला रहे हो हमारे बेटे को? नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, मैं तो चला। अरे सर क्या कर रहे हो? घर में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह अपनी फैमिली को छोड़ देना ठीक नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे की तो शक्ल भी आपसे हूबहू मिलती है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी होकर भी आपको शर्म नहीं आती? पापा किसी दो ना, नहीं छोड़ो, किसी दो पापा, किसी दो। एक दूंगा, लगता है कोई मेरी बात मानेगा नहीं और ये मुसीबत मेरे गले पड़ाएगी। सर सर, जिंटू मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा मत करो सर। मुझे भी नहीं पता था कि आप उसके पापा हैं। सर क्या मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ? बोल बोल बेटा, और मुझे आंटी बोलना।
वीर, ये जिंटू नहीं है, ये कोई बेरूपिया है। ये जिंटू है। ये जिंटू नहीं है। यही जिंटू है। नहीं है। ये नहीं है तो कौन है? मैं हूँ जिंटू, मैं हूँ। उप्स, सॉरी। ओके ओके वीर, तुम जीत गए, मैं हार गया। अरे तुम जिंटू हो तो फिर ये कौन है? ओके नाना जिन, तो आप इनकी मदद कर रहे थे। सॉरी नाना जिन। सॉरी वॉरी बाद में बोलना, पहले सबको भुला दो कि तुम यहाँ टीचर बन के आए थे। बॉस बचाओ, कहाँ फंसा दिया, निकालो मुझे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल टिम्बक्टू, मुझे इससे निकालिए बॉस। शट अप, निकालने के लिए नहीं डाला है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें इसमें कैद नहीं किया, इससे तुम्हें वीर को कैद करना है। वो कैसे बॉस? वो ऐसे कि तुम अपने इस हैंड ग्लव से फायर का एक्शन करोगे तो इससे बबल्स बाहर निकलेंगे और वीर को कैद कर लेंगे। और अगर वीर उनसे भी बच जाए तो तुम्हारे जैकेट की जेब में जो सेंसर गन है उससे एक सेंसर डॉट फायर करके वीर के बदन में चिपका देना, और फिर वीर जहाँ भी जाएगा बबल्स उसे चेस करके कैद कर लेंगे। और जब वो कैद हो जाए तो एक सेंसर डॉट अपने बदन में भी लगा लेना, फिर सारे बबल्स तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ जाएंगे। वीर कुछ नहीं कर पाएगा, ये बबल्स इतने मजबूत हैं कि उसकी किसी लेजर से नहीं टूटेंगे। You're genius, boss. She is right, boss. ट्राई करके देखता हूँ। ये क्या किया? अरे वीर पे फायर करना है। में जो केमिकल है उसी से ये फूटेगा और किसी चीज से नहीं फूटेगा। Bye.
इन पे असर नहीं हो रहा है। वीर मैं अभी आया। अब सेंसर गन यूज करो। इस दोस्त को साथ ले जाऊंगा। ओके, तुमने मुझे कैद कर लिया है, अब इमली को छोड़ दो। नो वे, अब सब मेरे बॉस के पास चलेंगे। चलो। जी हम सब बबल में फंसे हैं, बबल नहीं फूट रहा। डोंट वरी वीर, मैं देखता हूँ। डॉक्टर प्रेम सहाय, आप भी चलो वीर के साथ। आप यहाँ अकेले क्या करोगे? दादाजी सब उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? वीर, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसकी वजह से सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो दादाजी इसका तोड़ क्या है? कैसे इसे नाकाम करेंगे? वीर वो देखो, दूर वहाँ एक रेडियो टीवी टावर है और उस टावर से ऐसी वेव्स निकलती हैं जो इसके कनेक्शन को डिस्टर्ब करेंगी और इसे तोड़ देंगी। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम सब इसके पीछे जाने से बच जाएंगे। सब लोग सुनिए, सब लोग अपनी कार स्कूटर स्टार्ट कीजिए और सामने उस टावर की तरफ फुल स्पीड से चलिए। जो पैदल है वो उस तरफ एक साथ भागे। सब लोगों को वहाँ पूरा जोर लगा कर जाना है। ये बबल बहुत तेज गर्मी से भी ब्लास्ट हो सकता है। ओके दादाजी, आइडिया आ गया है। हीट रेज ऑन। हीट रेज ऑन। वीर हीट रेज और ज्यादा मत बढ़ाओ। वीर क्या कह रहे हो? हीट रेज मत बढ़ाओ। वीर ऐसा मत करो, तुम ब्लास्ट हो सकते हो। टिम्बक्टु देखना, अब वीर खुद ही खत्म हो रहा है। Bye.
यहाँ कैसे आया? क्या कर रहा हूँ? चिंटू तुम यहाँ बैठे अगड़म बगड़म बोल बोल के बबल बना रहे थे और मैं उसे तोड़ता फिर रहा था। ओह, क्या मैं सच में बबल बना रहा था? यहाँ कोई आराम से चल भी नहीं सकता। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। थैंक्स रोबो बॉय, थैंक्स। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर तुम न होते तो न जाने क्या होता। अरे क्या कर रहे थे तुम? अपनी ताकत का बहुत घमंड है क्या? बच्चे को कुछ हो जाता तो? जी, अब तुम जरा एक तरफ हो जाओ। इस घमंडी लाल पहलवान की अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये तुमसे नहीं मुझसे संभलेगा। चिंटू तुम? अरे चिंटू तुम यहाँ? वीर, ये मेरा दोस्त है चिंटू, और चिंटू ये है वीर, इमली, चुलबुल, ये सब मेरे दोस्त है। हाय चिंटू, आज से तुम भी हमारे दोस्त हुए। और चिंटू, अब सबको जादू दिखा दिया है तो भुला भी दो। अभी लो। वीर, मैं चिंटू के साथ घूम फिर के आता हूँ। हम दोनों कितने सालों बाद मिले हैं। और सुनाओ चिंटू, तुम्हारा चाट खाने का शौक अब भी वैसा ही है? अरे बिल्कुल, जैसा का तैसा है। मुझे तो आज भी चाट उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। वैसे वो दिन कितने अच्छे थे जब हम रोज खेला करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं और तुम साथ रहेंगे और बस रोज खेलेंगे, मस्ती मजा करेंगे। अब तुम यही रहोगे मेरे साथ और वीर से मिलने कभी कभी चले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अब वहीं रहना अच्छा लगता है। वहाँ की चाट अपनी जादुई चाट से भी अच्छी है। और सच बात तो ये है कि मैं अब वीर के बिना रह भी नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ अपने वीर के पास। नहीं चिंटू, सुनो तो सुनो। ये चिंटू का गुस्सा अभी भी वैसा ही है, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आ ही जाएगा। मैं उसका यही इंतजार करता हूँ। मेरे दोस्त जिंटू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वीर, मैं तुम्हारी जिंदगी से जिंटू को दूर कर दूंगा। ऐसा झगड़ा लगाऊंगा कि तुम जिंटू को भगा ही दोगे। वीर वीर, ये लो, ये रही तुम्हारी शटल कॉक। मुझे मुझे क्यों मार रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? मैं बंटी हूँ। नहीं, रुक जाओ, मुझे मत मारो। ये बंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं से चीख रहा हो। चिंटू, ये तुमने क्या किया? खबरदार जो ऐसी हरकत फिर दोबारा की तो। करूंगा करूंगा, 100 बार करूंगा। वो हमेशा तुम्हें तंग करता है, तो मैं उसे तंग क्यों ना करूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम मुझ पे जब देखो गुस्सा करते रहते हो। दोस्त तो चिंटू जैसा होना चाहिए, वो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करता। अगर तुम मेरे मालिक नहीं होते तो मैं तुम्हें छोड़ के चिंटू के पास ही चला जाता। तो जाओ, अपने दोस्त चिंटू के साथ ही रहो, वीर से झगड़ा मत करो। ठीक है। अरे,
तुम लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाया है। चलो बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी हो। हेलो दादाजी। आओ आओ आओ, तुम भी बैठ जाओ और गाजर का हलवा खाओ। हाँ हाँ लीजिए, मैंने इसका टेस्ट अपने जादू से और भी अच्छा कर दिया है। अब ये मेरे दोस्तों को खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। अब होगी फाइट। ये क्या मजाक है? तुम्हारी इतनी गंदी हरकत, पूरे घर में मेंढक क्यों फैला रखे हैं? वीर, मैंने कोई मेंढक मेंढक नहीं फैलाई है। अच्छा, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो? ये सब तुम्हारी ही हरकत है। तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो जाओ, यहाँ उल्टी सीधी हरकतें मत करो। ये सब क्यों किया? इन्हें गायब करो। दिस इज एन ऑर्डर। ओह, तो बन गए ना मालिक, दोस्ती का ढोंग कर रहे थे आज तक। जी, आप ठीक तो है ना? अब इमली को सबक सिखाता हूँ। हाय इमली, साइकिल चलाने में नहीं उड़ाने में मजा है। बाय बाय। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब से तुम अपने दोस्त से मिलकर आए हो बदल गए हो। तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम इतना बदल जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बाय इमली, बाय चुलबुल, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन सुन लो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इमली, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर चिंटू मुझे छोड़ के जाना ही चाहता था तो वो ऐसे नहीं रोता। कहीं कोई थर्ड पार्टी हमें झगड़ा तो नहीं करवा रही? उसका दोस्त चिंटू तो इन सब के पीछे नहीं है। ओके ओके, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अब जाओ और अपने जिन लोक में रहो, हम एक साथ नहीं रह सकते। हाँ बस, जाने से पहले आखिरी बार हग कर लो। चिंटू, कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। ओके ओके। अच्छा चिंटू, मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। जाओ शाम तक सोच लो, मेरे साथ रहना है या अपने जिन लोग जाना है। शाम को आके बताना। ओके ओके, मैं शाम को आके बताता हूँ। शाम आने से पहले ही मैं तुम्हें इतना तंग कर दूंगा कि तुम चिंटू की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। मुझे लगता है चिंटू अब सुधर जाएगा। शाम तक इंतजार नहीं कर सका, सोचा थोड़ा सबक तुम्हें भी सिखा दूं। तुम ही हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहते हो ना। सबक सिखाने का समय आ गया है।
चिंटू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वीर जैसे अच्छे दोस्त को तंग करते हो। वीर आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। ओके चिंटू, हम दोनों आज से साथ रहेंगे। और चिंटू तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो, आज से तुम आजाद हो। वीर ये चिंटू नहीं है। कैसे नहीं है, ये चिंटू ही है। ये चिंटू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये चिंटू है, चिंटू है, चिंटू ही है। नहीं, चिंटू मैं ही हूँ, देखो। उप्स, सॉरी। इतनी देर से तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे, क्या चाहते थे, मेरी और वीर की दोस्ती टूट जाए? लेकिन हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है, समझे? चिंटू हम सब दोस्त बनके एक साथ रह सकते हैं, किसी को किसी से अलग करने की कोई जरूरत नहीं। चिंटू तुम चिंटू के साथ जाओ और जब तक वो ना कहे तुम उसी के साथ रहना, वो कितने सालों के बाद मिलने आया है। I'm sorry वीर, I am very sorry, आज से मैं तुम सबका दोस्त बन के रहूंगा।